नमस्कार, आप देख रहे हो मेट्रो सिटी समाचार। मैं अभी कुरला बैल बाजार वाड़िया कॉलोनी में मैं खड़ा हूँ। तो यहाँ की अभी स्थिति आपको दिखाता हूँ रोड की, जो यहाँ पे लोग परेशान हैं। आप रोड देखिए, यहाँ पे कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। यहाँ पे जो वार्ड नंबर 66 का ये हाल है, बैल बाजार देख ले आप, कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ से जब भारी बारिश होती है तो पूरा भर जाता है और खड्डे पूरे रहते हैं। अब आप देखिए यहाँ से कि पूरे रोड पे यहाँ से लेके वहां तक बड़े बड़े खड्डे हैं। जब गाड़ियां चलती हैं तो छींटे उड़ते हैं, तो यहाँ लोगों के दुकानों पे खाने पीने का सामान पड़ा हुआ है, उन पे जाता है और लोग यहाँ पे परेशान है। कहते हैं यहाँ पे कि सर, अभी मैं एक दो जो सर सर से बात करेंगे कि पूछेंगे सर ये रोड कब से खराब है। ये रोड 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया। एक डेढ़ महीने से खराब है। तो इसमें अभी कितना दिन हो गया काम करके, 1-1.5 महीना हो गया काम करके। पानी क्या तकलीफ है? के छींटे होते हैं, बच्चे हाँ तो लोग को भी तकलीफ होता है, गाड़ी आने जाने वाले को तकलीफ होता है, बाइकों लोगों को। हाँ तो ये इसको देखने के लिए कोई आया नहीं अभी तक, नहीं अभी कोई आया नहीं, तो क्या कहेंगे आप? इसको रोड बनना चाहिए। तो आपने इसकी आवाज नहीं उठाई, आपने किसी को कहा नहीं? अभी उठाने किसके पास जाएंगे? हम लोगों से और बात करेंगे, तो आपको दिखाएंगे कि ये जो खड्डे हैं, ये वार्ड नंबर 66 के जो बड़े बड़े खड्डे हैं, लोग इससे परेशान हैं। तो हम अभी एक दो दुकान की दुकान है, तीन से ही बात करेंगे हम। क्या नाम है भाई आपका? नीलेश। नीलेश भाई, क्या समस्या है? समस्या क्या, खड्डा तो है कितने दिनों से, वो कितना दिन हो गया? बारिश के पहले से। बारिश के पहले से? तो आपने इसका कंप्लेन नहीं किया? मैं क्या अकेला करेगा मेरा। तो आप देख सकते हैं इनकी खाने की सामाने हैं, यहाँ पे खड्डे हैं। इनका कहना है कि गाड़ियां जो आती हैं वो छींटे उड़ते हैं, तो खाने पीने के सामान पे जाता है। यहाँ पे काम करने के लिए इनको कितनी बार कंप्लेन डाला है, पर कंप्लेन का को कोई सुनता नहीं है। ये बड़े बड़े खड्डे हैं, बच्चे परेशान हैं। ये क्रांति नगर जाने वाला रोड है, वाड़िया स्टेट का। आप इधर का रोड देखिए, कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। खड्डे देखिए, और यहाँ पे ये देखो बड़े बड़े खड्डे हैं। गाड़ियाँ जो जा रही हैं ये देखो। तो मैं अभी आपको यहाँ से वहाँ तक का दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, पूरे खड्डे हैं, बड़े बड़े खड्डे हैं। तो लोगों का यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे एक स्कूल भी है, जो यहाँ पे स्कूल है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। तो मैं क्या समस्या है? समस्या तो आप देख रहे हो किस तरह से, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे खड्डे गिरे हुए हैं। यहाँ पर स्कूल है, ये दवाखाना है, यहाँ मार्केट लगी हुई है, बच्चे आते जाते हैं। यहाँ पर अगर दवाखाना है, दवाखाने में अगर किसी पेशेंट को लेके जाना है तो कितनी सारी, अगर एक प्रेग्नेंट औरत रहेगी और उसको अगर ज़्यादा तकलीफ होती होगी तो वो खड्डे के अंदर से जाएगी तो उसको कितना दर्द होगा। तो यहाँ पे इतने बहुत सारे, अभी बीच में बनाए थे रास्ता, आधा बना के आधा छोड़ दिए। या MN रोड जो है वो कई सालों से उसका काम चालू है, उसके बावजूद बीच में संजय तुड़े ने बनाया था, उसके बाद भी बहुत सारे खड्डे गिर गए। अभी तो इतनी हालत बेकार है कि वहाँ से 90 से भी सारी गाड़ियाँ जाती है। अच्छा। और है वन वे हो, और 90 से पूरी गाड़ियाँ जाती है, आने जाने वालों को इतना तकलीफ होता है, वहाँ पे चलने के लिए बहुत मुसीबत होती है। तो और खड्डे सारे बहुत सारे। कितना दिन हो गया रोड बना के ये? अरे खड्डे अभी ये जो मेरे ख्याल से 2-3 महीना हो गया होगा, उसके बाद ये ऐसा हाल हो गया उसका। 2 महीने पहले बनाया था, उसके बाद ऐसे हाल हो गया। यहाँ पे एकदम बड़ी बड़ी मिक्सर की गाड़ियाँ, डंपर वगैरह, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से मार्केट से गुजरती है। अगर ये बारिश नहीं है, इसके लिए गीला है, अगर बारिश नहीं रहेगी तो पूरी धूल मिट्टी पूरे दुकानों के ऊपर या पूरे घरों के ऊपर पूरा मिट्टी उड़ते रहता है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती है। हर बार हम लोगों ने उसके अपोजिशन में आवाज़ उठाई थी, आंदोलन छेड़ दिया था, उसके बावजूद भी उन लोगों ने कुछ एक्शन नहीं लिया। उसके बाद भी ये मार्केट के अंदर हम लोग ने बोला था कि शाम के टाइम पे आप गाड़ियाँ बंद किया करो, लेकिन शाम के टाइम पे भी गाड़ियाँ बंद नहीं होती है। और वो शाम के टाइम पे इस तरह मार्केट के अंदर से गुजरती गाड़ियाँ, और यहाँ से भी उस तक भी आप देख रहे हैं, आज तो कम है, आज बारिश इतनी हो रही है, इसके लिए लोग आए नहीं यहाँ पर, लेकिन हर हमेशा इतने सारी क्राउड होती है, बहुत सारी भीड़ होती है यहाँ लोगों की। तो ये सड़क की वजह से बहुत सारी तकलीफ होती है लोगों को। तो आप देख सकते चाहते हैं कि बनावे या फिर उसके बाद चौड़ा करे, उसके बाद जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको अप्रूव करे। लोग देख रहे हो कि काफ़ी गुस्से में है। इनका कहना है कि काम यहाँ पे करते हैं, 1 से 1.5 महीने का काम किया हुआ था, आप रोड की हालत देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मल से काम करके चले जाते हैं और पहली बारिश में ऐसा हाल हो जाता है, और कोई इसको देखने के लिए आते नहीं है। लोग यहाँ पे गुस्से में है कि यहाँ पे स्कूल है, बच्चे हैं, तो इसका काम, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता।